कहानी के शुरू में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी, तो इसीलिए उन्हें बच्चों और उन औरतों को जो माँ बनने वाली हैं, उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि पॉपुलेशन और ना बढ़े। फिर हमें उस गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मिया नाम की लड़की और उसका हस्बैंड। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और माँ बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया भी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसीलिए मिया और उसका हस्बैंड जिसका नाम निकू होता है, वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निकू कंटेनर में बैठकर मिया से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है। वो कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे। दरअसल इस बच्चे से पहले मियाँ की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल जाता है, अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। अब इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मिया कंटेनर के सुराग से देखती है कि निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मिया से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है, फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर माँ बनने वाली हैं, उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी जिसमें सभी लोग छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर बहुत सी खाली जगह है। पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है, देखो तुम सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया उस कंटेनर के अंदर रखे डिब्बों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहां पर एक लड़की जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर उसके सिर पर गोली चलाता है और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी अब वो नीचे आती है। वो निकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है मगर निकू का फोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहां पर उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट मिलती है। उसे वहां और भी बहुत सी चीजें मिलती है। मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। अब रात भी हो गई थी कि तभी समंदर में तूफान आता है। तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था जिस वजह से मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है मगर उसका फोन भी अब टूट चुका था। मिया पास से बहुत सी आवाजें सुनती है जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। वे सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मिया अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर भी पानी में डूब गया है जिसमें निकू था। अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर मिया बहुत ज्यादा टूट जाती है। वो सोचती है कि अगर निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसीलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी इसलिए मिया अब मरने का इरादा बदल लेती है। मिया ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्द इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह वो उठती है उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल जाती है।
इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्स को देखती है जिसमें उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं। मिया अब उन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहां से मिले और भी सामानों को वो इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अब अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निको का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डिब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र मत करो मिया, मैं जिंदा हूँ। मिया उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है, निको मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। निको फोन पर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हम पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मिया निको से बात कर कर थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और मिया कंटेनर में ही पानी के अंदर बच्चे को जन्म देती है। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया था। मिया को बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले लगा लिया। धीरे धीरे अपने बेटी का बहुत ख्याल रखती मिया भी अब ठीक हो गई थी, मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। वो उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगती है। वो नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से मिया रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मिया ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तभी उसे चाकू नजर आता है। वो अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। मिया देखती है कि उसके पास ना पीने के लिए पानी बचा था और ना खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और फिर वो बेहोश हो जाती है। उसे अपने बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निको भी महसूस होता है जो उसे बस यही कह रहा था, मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मिया की मेहनत रंग ले आई थी। रास्ता खुल जाता है। मिया पहले तो डिब्बों में पीने के पानी को जमा करती है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है। कहती है, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती है। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो अब बहुत थक चुकी थी और कंटेनर के ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान में प्लेन नजर आता है। अब मिया जल्दी से उस कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। शीशे के टुकड़े को लाकर वो प्लेन पर उसका रिफ्लेक्शन करती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। मायूस होकर मिया नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अब अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन के तारों का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने वाली जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती और अपना पेट भरती रहती है। उसने अपने पास पड़े डिब्बों में भी मछलियां पकड़कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके बहा दिया करती है ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निको का फोन आता है जो कहता है, मियां मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे एक गोली लगी है। मिया कहती है, निको हमें बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते अब 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मिया ने इस्तेमाल कर लिया था। जो जो उसके काम आ सकता था वो सब उसने इस्तेमाल किया। मिया अब कंटेनर के ऊपर डिब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है और उसमें अपनी बेटी को रखती है। थोड़ी देर बाद मिया मछलियां जमा करती है कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है।
जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कोई बस्ती होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर के पानी में गिर गई थी। मिया जब उसे लेने जाती है तो उसका पांव रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह जाती है। मिया किसी तरह अपने पांव को जैसे तैसे छुड़वा कर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह अपनी बच्ची को यहाँ वहाँ ढूंढती है, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मियाँ की बेटी रोने लगती है। मियाँ उसकी आवाज सुनती है और फौरन तैर कर उसके पास पहुँचती है। वो अपनी बेटी से कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मियाँ अपने बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने ही मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे देखती है और वो उनके लिए कुछ मछलियाँ फेंकती है। अब उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से एक कश्ती में से एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने डैड को अपनी बोट वहां पर ले जाने को कहती है। जब वे उधर आते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में ही किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के पास एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वे उस रस्सी को खींचते हैं जिसमें से मियाँ बाहर आती है। मियाँ ने दरअसल इस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ की सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गई थी। जब मियाँ अपनी बेटी के रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुलाते हैं। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थी क्योंकि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया था। मियाँ अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था और आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। माँ बनने की ताकत ने उससे हर वो काम करवाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मियाँ की इसी बहादुरी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।